हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जोमेटो के Q1 के रिजल्ट के बारे में। उनके आज के दिन उन्होंने Q1 के नंबर शो किए हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इस वीडियो में हम उनका पूरा फंडामेंटल्स भी आपके सामने रखेंगे, उनके फ्यूचर क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर करें, एंड आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। एंड ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके जोमेटो के बारे में, या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती है उसके रिगार्डिंग। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। जैसा कि आज के दिन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जोमेटो का अगर हम प्राइस देखें तो 125 रुपीज़ है। आज के दिन इसे हम इसमें हमें 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। एंड अगर आप देखेंगे कि इस पिछले 5 दिन में इसने 10.5% के आसपास की गिरावट ही देखने को मिली। जोमेटो के बारे में आपको बता दूं कि रिसेंटली अभी लिस्ट हुई है ये कंपनी शेयर मार्केट में। इसमें अगर आप देखें तो जब बिडिंग स्टार्ट हुई थी इसके IPO के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन में बिडिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने बिड किया था। एंड इसका जो IPO आया था, मार्केट में लिस्ट भी हुआ था प्रीमियम में, एंड 50% के आसपास के प्रीमियम में भी खुला था। बट उसके 1-2 दिन के बाद अगर हम देखें तो ये शेयर में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। एंड आज के दिन इस कंपनी ने अपने Q1 के नंबर भी शो किए। तो आइए पहले हम Q1 को देख लेते हैं, इनके Q1 के नंबर कैसे आए हैं। जैसे कि आप सब अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो इनका इनकम स्टेटमेंट है, इसमें जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सब मिलियंस में है। तो अगर हम इनको करोड़ में कन्वर्ट करें तो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है 844 करोड़ का। इनको अदर इनकम से आया है 72 करोड़ के आसपास, और इनको टोटल जो इनका रेवेन्यू इनको इनके पास आया है वो है 916 करोड़ के आसपास का। बट इनका टोटल एक्सपेंस है 1250 करोड़ के आसपास का। तो इनको टोटल लॉस हुआ है 356 करोड़ का Q1 के रिजल्ट में, जो कि अगर आप देखें तो इनके पिछले को क्वार्टर से इनको लॉस ही आ रहा है। एंड ये कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है। इनमें सिर्फ एक चीज़ अच्छा हुआ है कि इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, या रेवेन्यू की बात करें, वो 26% से ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में। एंड बाकी अगर सब देखें तो कंपनी लॉस में ही है। आ जाइए हम आपको इनके पिछले कुछ सालों के भी रिजल्ट दिखा देते हैं क्वार्टरली, कि इनको कितना लॉस हुआ है। इनका अगर आप देखेंगे कि मार्च 2020 मतलब 2020 का जो साल है, उसमें इनको टोटल लॉस हुआ है 2367 करोड़ का। 2019 में इनको लॉस हुआ है 965 करोड़ का, एंड 2018 में 104 करोड़ का लॉस है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग ही है। एंड अगर आप चाहे तो आप इनके बैलेंस शीट में भी आ सकते हैं। आइए मैं आपको इनका बैलेंस शीट भी दिखा से देता हूँ। तो अगर आप बैलेंस शीट में भी इनके देखेंगे तो सिर्फ एक चीज़ हमें देखने को मिलता है, इनका जो शेयर कैपिटल है वो है 455 करोड़ का। टोटल इनके पास रिजर्व है 7644 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी के पास रिजर्व्स है। एंड इनकी बोरोइंग सिर्फ 73 करोड़ की है, अदर लाइबिलिटी है 987 करोड़ की। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट है 1539 करोड़ की, एंड इनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा है, 2205 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इनका। इसमें ये देख सकते हैं, हाँ कंपनी के पास रेवेन्यू है, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो ये कंपनी लॉस मेकिंग है अभी के लिए। ये कंपनी का, आ जाइए मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो ये 10 रुपीज़ के आसपास का इनका बुक वैल्यू है, एंड करंट प्राइस चल रहा है 125 रुपीज़ का। अगर आप मेरी माने तो जब तक ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाती, तब तक इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ये सही टाइम बिल्कुल है नहीं। और देखेंगे तो ये कंपनी ट्राई कर रही है फ्यूचर में, अभी इनका ग्रोसरीज़ के भी डिलीवरी का बात चल रही है, कि ये ग्रोसरीज़ भी डिलीवर करना स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जोमेटो का एक और बिजनेस है कि ये मीन्स इनके पास डेटा काफ़ी ज़्यादा है, ये डेटा सेलिंग का भी काम करती है। तो अगर आप देखें तो फ्यूचर में जब तक ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाती, तब तक के लिए इसमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप ये कंपनी से फिलहाल अभी जितना दूर रहे उतना ही सही है, बिकॉज एक बार के लिए अगर ये कंपनी बढ़ती भी है, अगर जाती इसमें उछाल देखने को मिलता है, फिर वापस ये गिरावट आएगी भी। अगर आपने राकेश झुनझुनवाला जी के इंटरव्यू भी सुना होगा, तो उन्होंने भी यही बोला था कि ये कंपनी अगर 20% का उछाल देती है तो फ्यूचर में 60% की गिरावट भी आएगी ये कंपनी में। तो इस कंपनी से अभी के लिए अगर दूर रहे तो वही सही होगा। जब तक ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो जाती, तब तक इसमें हाथ डालना
सही नहीं होगा इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए। लोगों को लगता है कि हाँ कंपनी बहुत बड़ी है, जोमेटो कंपनी डिलीवरी कर रही है, बट अगर आप देखें तो ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अभी के लिए तो बिल्कुल सही होगा नहीं, ये हमारी राय है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप खुद से एनालाइज ज़रूर करें, एंड एनालिसिस करने के बाद खुद से आप अपना डिसीजन लें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। बट इनका जो रिजल्ट आया है हमें दिखाना, तो हमने आपको दिखा दिया कि कंपनी लॉस मेकिंग है अभी भी, एंड कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। बस एक ही चीज़ इसमें अच्छा है कंपनी के, कि कंपनी पे अभी तक कोई इन पे ज़्यादा कर्जा नहीं है। एंड अगर आप इनके प्रमोटर होल्डिंग की भी बात करें, तो आइए मैं आपको इनका एक बार प्रमोटर होल्डिंग भी दिखा देता हूँ। NSE या BSE, ये दोनों साइड पे इनकी प्रमोटर होल्डिंग दिख रही है। अगर इन दोनों साइड पे अगर आप इनका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, तो टोटल जो शेयर्स है उसमें से 96% के आसपास का जो शेयर है वो पब्लिक के पास है, एंड बाकी जो 3.5% के आसपास शेयर है वो एम्प्लॉयज़ जो ट्रस्ट है उसके पास है। 3.5% अगर आप देखेंगे जो एम्प्लॉय ट्रस्ट के पास है, वो ना ही प्रमोटर है ना ही पब्लिक में आते हैं। एंड बोला जाता है कि जो 5.5% जो शेयर्स है वो इनके सीईओ के पास है, बाकी का कुछ शेयर्स जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है करीब 3.5% के, एंड वही 8.5% के आसपास जो शेयर्स है वो हमारे एफआईआई के पास है। एंड ये सारा जो है अभी तो दिखा रहा है कि टोटल मीन्स पब्लिक ही दिखा रहा है, एंड प्रमोटर्स के पास कुछ दिखा नहीं रहा है शेयर। तो एक अगर आप देखें तो कंपनी का जो आप बोल रहे हैं फंडामेंटल, तो फंडामेंटल बिल्कुल इतना स्ट्रांग नहीं है कि लॉन्ग टर्म में, अभी के लिए अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये कंपनी बहुत अच्छी नहीं है। जब तक इसका फंडामेंटल सुधर नहीं जाता, इसमें हाथ डालना सही नहीं होगा। ये हमारी राय थी, बाकी अगर आपको जो सही लगता है आप बिल्कुल एक बार इस पर एनालिसिस करके ज़रूर कीजिए, और ये वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम ये वीडियो अंत करना चाहेंगे। धन्यवाद।